दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों के सहायता विवेकानंद सत्कार पोटली का हुआ शुभारंभ। जी हाँ, कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति से परेशान होने के कारण दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के सहायतार्थ वाराणसी में विवेकानंद सत्कार पोटली का शुभारंभ किया गया। इस पोटली को प्रवासी मजदूरों को दिया जाएगा। इसका शुभारंभ करते हुए विशाल भारत संस्थान के राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर लंबा सफर तय करके आ रहे हैं, उनको यह खाने पीने की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें सब बने बनाए खाने हैं जो कि लंबे समय तक खाने योग्य हैं, जैसे कि लाई, चना, गुड़, सत्तू, बेसन इत्यादि। संस्थान द्वारा संचालित अनाज बैंक लगातार 24 घंटे की रसोई चला रहा था, लेकिन चौथे लॉकडाउन के दौरान 70 दिन तक सेवा करने के बाद अब ये समस्या विकसित हुई कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और आकर के अपने मुख्यालय से घर जा रहे हैं, उनको 6 से 7 घंटा लग गया। ऐसे में वो भूख से पीड़ित हैं और उनकी समस्या यही कि रास्ते में भोजन नहीं मिल पा रहा। उनके लिए विशाल भारत संस्थान अनाज बैंक और परिवार संस्था दोनों के संयुक्त तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद सत्कार पोटली का इंतजाम कराया गया है। उस पोटली में वो सारी रेडीमेड व्यवस्था है, जिससे उनको 5 से 6 घंटे से लेकर के 10 घंटे तक के भोजन का पूरा इंतजाम किया गया है। वो विशिष्ट आहार उसमें है, जैसे जो पूर्वांचल का प्रसिद्ध है, बाटी, सत्तू है, लाई है, चना है, इलेक्ट्रॉल है, बिस्किट का पैकेट है, नमकीन का पैकेट है, नमक है, अचार है, ये सारी व्यवस्था उसमें रखी गई है। सत्कार इसलिए कि चूंकि बाहर से आ रहे हैं, हमारे मेहमान की तरह हैं। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर स्वामी विवेकानंद सत्कार पोटली उसका नाम रखा गया है और ये अनाज बैंक और परिवार संस्था दोनों ने मिल करके ये पोटली तैयार की है। और इस पोटली को आज से ही स्टेशन पर जा करके जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको हम देने का काम करेंगे। और इसके अलावा हमारे कार्यकर्ता शहर के विभिन्न हिस्सों में भी रहेंगे, अगर वहाँ से कोई बस गुजरती है या वो पैदल अगर कहीं दिख जाते हैं तो उनको भी दिया जाएगा। बेसिकली जो सबसे बड़ा अभियान हमारा है वो कैंट रेलवे स्टेशन पर। हमारे प्रवासी भाइयों को इस राज्य में कोई तकलीफ ना हो, इसके सत्कार को ही सेवा मानने वाले विवेकानंद के नाम पर इस पोटली का नाम रखा गया है। यह बनारस में आने वाले हर प्रवासी मजदूरों को दिया जाएगा।